ये मेरा एक दिन का हेयर फॉल है। सोचिए अगर इस तरीके से बंच में डेली हमारे बाल गिरेंगे तो सिर पे बाल ही नहीं बचेंगे। मॉनसून में हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगता है अगर आप अपने बालों का सही तरीके से ख्याल नहीं रखते तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मॉनसून हेयर केयर टिप शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप और मैं दोनों अपने बालों का सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं और बालों को हेल्दी भी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आपके लिए ऐसे ही हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप, हेयर स्टाइल की वीडियो लाती रहती हूँ, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा हेयर फॉल इस तरीके से तो कभी नहीं होता, बट आफ्टर टाइफाइड एक हफ्ते तक ना तो बालों की केयर हुई ना ही स्किन की केयर हुई, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड ऐसा भी हुआ कि एक दो बार बारिश में भी भीग गए, उसके बाद फिर बालों की केयर नहीं की, बालों का ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से भी बालों की कंडीशन बिगड़ गई। तो इसलिए जरूरी है कि एक प्रॉपर मॉनसून हेयर केयर रूटीन को फॉलो करिए। बस वही रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत मिनिमम स्टेप के साथ और बिल्कुल नेचुरल वे में आप अपने बालों का बारिश में भी ख्याल रख सकती हैं। देखिए, बारिश हम सबको बहुत पसंद होती है, चाहे हम बारिश को देखें या बारिश में भीगें, हमें बहुत सुकून सा मिलता है। और ऐसा भी होता है कि हम एक दो बार भीग भी लेते हैं, बट उसके बाद अगर आप अपने बालों का ख्याल नहीं रखते हैं, अच्छे से केयर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज आजकल हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरीके से पॉल्यूटेड है और जब बारिश होती है तो उसके साथ जो भी पॉल्यूशन या फिर केमिकल हैं वो नीचे आते हैं, और जब वो डायरेक्टली आपके हेयर पे पड़ते हैं या आपके स्किन पे पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को ही डैमेज करते हैं। तो एंजॉय करिए, लेकिन उसके बाद आपको एक प्रॉपर स्किन केयर हेयर केयर रूटीन फॉलो करना है। हेयर केयर रूटीन में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, स्किन केयर रूटीन में जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टिप नंबर वन से। अगर आप बारिश में भीगते हैं, सपोज इट आप बाहर रहते हैं, बाहर आप बारिश में भीग गए, तो जल्द से जल्द अपने बालों को ड्राई कर लीजिए, यानी कि आपको ज्यादा देर तक अपने बालों को गीला नहीं रहने देना है। इससे आपके बालों में फ्रिजनेस आ जाएगी, जो भी केमिकल होंगे वो आपके बालों को ड्राई कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं, घर पे बारिश में भीग रहे हैं, तो भीगने के बाद जब आपके बाल गीले हैं तो दोबारा से आप नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वॉश करिए, यानी कि जो भी आपके बालों में केमिकल वगैरह होगा उसे आपको क्लीन कर देना। आप चाहे तो थोड़ा सा शैम्पू भी यूज कर सकते हैं ताकि आपके बाल प्रॉपरली क्लीन हो जाए। मॉनसून में जितना हो सके अपने बालों को ड्राई रखें, यानी कि हमें ज्यादा ऑयल अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं, बालों के लिए ऑयलिंग बहुत जरूरी है, बालों को न्यूट्रिशन देने के लिए, बालों को कंडीशनिंग करने के लिए, तो आप शैम्पू से सिर्फ आधे घंटे पहले अपने बालों पर ऑयल अप्लाई, कोशिश करें कि लाइट ऑयल यूज करें। आप कोकोनट ऑयल या बादाम ऑयल या ऑलिव ऑयल अपने बालों पे अप्लाई करें और उसके आधे घंटे बाद हमें अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो इससे आपके बालों में चिपचिपापन नहीं आएगा और आपके बाल ग्रीजी नहीं। एक्सेस ऑयल हमारे स्कैल्प पे होता है तो हमारी रूट्स ग्रीजी हो जाती हैं और वो लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाल जड़ से निकलने लगते हैं। तो इसलिए एक्सेस ऑयल हमें अपने स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करना है, यानी कि ओवरनाइट अपने बालों पे ऑयल नहीं रहने देना है। इस सीजन में फंगल इन्फेक्शन, लाइस या निट्स जैसी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है, तो इसलिए आपको एक ऐसा मास्क पिक करना है जो कि आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर सके, आपके रूट्स को क्लीन कर सके, साथ में आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन भी दे और आपके बालों की जो फ्रिजनेस है, जो ड्राइनेस है, जो टैंगल हो चुके हैं आपके बाल, उन प्रॉब्लम को भी रिमूव कर सके। तो आप कोई भी हाइड्रेटेड या कोई भी अच्छा सा मास्क अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट बेस्ड पिक कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई है अपना कोई भी फेवरेट मास्क अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मेरा ये वाला DIY मास्क भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देगा, जो भी फंगल इन्फेक्शन या अदर एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी रिड्यूस कर देगा और साथ में आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। तो इसके लिए हमें 1 बाउल कर्ड लेना है। कर्ड में जिंक होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है और ये आपके pH लेवल को भी बैलेंस करता है। ये हमारे स्कैल्प को क्लीन करने के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन या डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है। एंड उसके बाद हम लेंगे एक राइप बनाना। अगर आपके बाल ज्यादा लंबे हैं तो आप यहाँ पे 2 भी पिक कर सकते हो, अदरवाइज 1 ही काफी है। बनाना इसलिए पिक किया है क्योंकि इस सीजन में हमारे बाल काफी फ्रीजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उलझते हैं। तो अपने बालों को डिटेंगल करने के लिए, बालों को स्मूथ करने के लिए एंड बालों को हल्का सा स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे बनाना पिक करूँ। इस बनाना में एक स्मूथ लश्चर होता है जो कि आपके बालों को नेचुरली नरिश कर देता है, स्मूथ कर देता है और स्ट्रेट भी कर देता है। तो आपको 1 से 1.5 या 2 बनाना लेना है, उसे अच्छे से पील कर लीजिए। अब हमारे ये दोनों इंग्रेडिएंट यहाँ पे रेडी हैं, आप इन्हें मिक्सर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, पूरा इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट जब बन जाए उसके बाद आप इसे फिल्टर कर लीजिए।
बिकॉज छान लेंगे तो जो भी लम्स वगैरह होंगी बनाना की वो सेपरेट हो जाएंगी, अदरवाइज यही लम्स आपके बालों में चिपक सकती हैं, फिर उससे आपको और प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इसे फिल्टर जरूर कर लें। छानने के बाद हम इसे एक बाउल में सेपरेट कर लेंगे एंड इसमें हम थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि मॉनसून सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये इंग्रेडिएंट एकदम मैजिकली काम करता है, बिल्कुल मेडिसिन की तरह। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं एंड ये आयुर्वेदा में हर जगह यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है 3-4 टेबल स्पून नीम पाउडर। नीम पाउडर अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लीन कर देगा, जो भी जर्म्स या इन्फेक्शन या अदर बैक्टीरिया वगैरह की प्रॉब्लम है वो सारी रिमूव हो जाएंगे। तो आपको 3-4 टेबल स्पून इसमें नीम पाउडर को ऐड करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसका एक पेस्ट बना लीजिए। पूरा इक्वली आप इसे मिक्स कर देंगे तो ये ग्रीन, हल्का लाइट ग्रीन कलर का एक पेस्ट बन जाएगा और उसके बाद आपको इसे डायरेक्टली अपने हेयर पे अप्लाई करना है। देखिए मैंने अपने बालों पे पहले से ही ऑयल अप्लाई कर रखा है, आप चाहे तो इसे ऑयल लगे हुए बालों पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप विदाउट ऑयल भी इसे अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। और पूरे बालों को अच्छे से कवर करना है, स्कैल्प पे भी लगाना है, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, आपके स्कैल्प के लिए भी और आपके बालों के लिए भी। तो इसलिए आपको अपने स्कैल्प पे भी अच्छे से लगाना है और साथ में अपने बालों को भी कवर करना है। ये एक मास्क आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को रिकवर कर सकता है, यानी कि अलग अलग DIY फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे आपको अपने पूरे बालों पे और स्कैल्प पे अप्लाई करना है और उसके बाद हम एक बन बना लेंगे और अपने बालों को 30 मिनट के लिए ऐसे ही लीव कर देंगे। इस सीजन में ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने स्कैल्प को और बालों को अच्छे से क्लीन करना है। तो इसके लिए आप अपना जो भी शैम्पू इस्तेमाल करें उससे अपने बालों को अच्छे से क्लीन करें। शैम्पू को कभी भी आप अपने लोअर हेयर पे ना अप्लाई करें बिकॉज ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। और आप चाहें तो अपना कंडीशनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्कैल्प को अच्छे से कवर करना है, फिंगर टिप्स का ज़रूर यूज़ करें, इससे आपके स्कैल्प में जो भी मैल वगैरह जमा होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है, साथ में आपकी रूट्स भी अच्छे से क्लीन हो जाती हैं और जो भी झाग उसी से आपको अपने लोअर हेयर को भी कवर करना है। तो यानी कि आप जो भी शैम्पू वगैरह कर रहे हैं उससे हमें अपने बालों को अच्छे से क्लीन करना है और जो फॉर्म बनता है यानी कि शैम्पू के बाद जो झाग बनेगा उससे वाटर से अच्छे से रिंस कर देना है। बिल्कुल भी झाग आपके बालों में या आपके स्कैल्प पे नहीं होना चाहिए। बालों को वॉश करने के बाद हमें अपने बालों को तुरंत ड्राई कर लेना, वो हैवी सा टॉवल लपेट के आपको 1-2 घंटे तक इधर उधर नहीं घूमना है, अदरवाइज आपके बालों की बैंड बच जाएगी, आपके बाल रूट से गिरने लगेंगे बिकॉज वो हैवी टॉवल आपके बालों की जड़ों पे काफी असर डालता है, जड़ों को कमजोर बना देता है। तो इसलिए जैसे ही अपने बाल धोए वैसे ही हमें अपने बालों को तुरंत ड्राई कर लेना है। इसके बाद आप अपना कोई भी फेवरेट सीरम अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे चैनल पे DIY सीरम भी देख सकते हैं, आप वो प्रिपेयर करके अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। बिना सीरम के आप अपने बालों को कॉम ना करें, अदरवाइज आपके बाल बीच में से टूटेंगे बिकॉज एक्स्ट्रा ड्राइनेस या फ्रिजनेस की वजह से बाल जहां पे उलझते हैं ना वहीं से टूट जाते हैं, तो ब्रेकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगती है और फिर हमारे बाल नीचे से बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपना कोई भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हमें अपने बालों को कॉम करना है। अगर आप अपने हेयर फॉल को स्टॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एक सही कॉम चूज करें, बड़े दांतों वाली कंघी का यूज करें, इससे हमारा हेयर फॉल कम होता है, बाल अच्छे से और जल्दी डिटैंगल हो जाते हैं। अगर आप एकदम नैरो कॉम्ब का यूज करेंगे जिसकी पतली पतली दांत होते हैं ना उससे हमारे बाल बहुत उलझते हैं, और हार्ड या टाइट कॉम्ब ना यूज करें, कोशिश करें वुडन कॉम्ब यूज करें या तो आप इस तरीके का ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमारा हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है बिकॉज इसके टीथ सॉफ्ट होते हैं और वो आसानी से आपके बालों में एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप हार्ड टीथ वाले कॉम्ब यूज करते हैं ना तो वो कॉम्ब फोल्ड नहीं होता जबकि आपके बालों सहित नीचे आ जाता है, मतलब आपके बालों को वहां से तोड़ के नीचे ले आता है। तो इसलिए इस तरीके का कोई भी वुडन कॉम्ब या फिर आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों को ज्यादा ओपन ना रखें, जब अगर आपके बाल वेट हैं आपको ड्राई करना है तो आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करें कि कोई भी बन हेयर स्टाइल या कोई भी नॉर्मल हेयर स्टाइल अपने बालों पे बना के जरूर रखें जिससे आपके बाल ज्यादा फ्रिजी नहीं होंगे, ड्राई कम होंगे एंड आपके बाल टैंगल नहीं होंगे बिकॉज जितने हमारे बाल खुले रहते हैं हम जितना उन्हें फ्री रखते हैं उतने ही हमारे बाल उलझते हैं, तो अगर आपके बाल नॉट रहेंगे तो सिक्योर रहेंगे। तो आप अपना कोई भी हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो जो भी आप के लिए सुटेबल हो, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो, आपको ढेर सारे हेयर स्टाइल मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई भी पिक कर सकते हो। एंड लास्ट स्टेप, रात में सोने से पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लें, सुलझा लें एंड उसके बाद आप
ब्रेड बना ले। जब भी आप अगर ब्रेड बना के सोते हैं ना, तो इससे हमारे बाल उलझते भी कम है, बालों में जो नेचुरल मॉइस्चर है वो भी बरकरार रहता है और बाल मैनेज भी रहते हैं। तो मैं ऑलवेज यही करती हूँ कि अपने बालों पे रात में हल्का सा कॉम्ब करके उसके बाद मैं नॉर्मली ब्रेड बना लेती हूँ। चाहे मैंने दिन में कोई भी हेयर स्टाइल बना रखो, लेकिन रात में मैं ब्रेड जरूर बनाती हूँ। सुबह जब मैं अपने बालों को खोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज ही अपने बालों को धोया हो, बिकॉज बाल मेरे बिल्कुल मैनेज रहते हैं। तो इस तरीके से आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मॉनसून टिप, जो कि बहुत कम है, बहुत ही सिंपल है, और आपको ज्यादा झंझट या बहुत सारे प्रोडक्ट फॉलो करने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल नेचुरल है। एंड इस तरीके से आप अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं, मॉनसून को भी इंजॉय कर सकते हैं, अपने हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आपकी हेयर ग्रोथ भी कंटिन्यू होती रहेगी। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को इंजॉय किया हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक जरूर करना, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।